साउथ जोन पुलिस ने आज पुराने शहर में कार्रवाई करते हुए जालसाजी के जरिए अराजियात फरोख्त करने वाली गैंग के चार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सत्यनारायणा ने गिरफ्तार शुजगान को आज मीडिया के सामने पेश किया। गिरफ्तार हुए अफराद में अली बिन महमूद जाफरी, मीन शाकिर अली, मोहम्मद अमान, शेख अली बावजीर शामिल है। दीगर 11 अफराद मफरूर बताए गए हैं। इस टोली की जानिब से अदालतों में मौजूद पुराने स्टैम्प पेपर्स को हासिल करते हुए नए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे और इन जाली दस्तावेजात के जरिए मासूम लोगों को अराजियात फरोख्त कर दी जाती थी। इस तरह 1.5 करोड़ मारियाती अराजियात फरोख्त करने की इतला है। डीसीपी सत्यनारायणा ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट लगाने के लिए कमिश्नर पुलिस से सिफारिश की गई है। हैदराबाद सिटी पुराना शहर में एक लैंड ग्रैबिंग गैंग को चंद्रानगुट्टा पुलिस पकड़ लिया। ये लोग अभी 4 लोग को अरेस्ट कर गिरफ्तार करके कोर्ट को भेज रहा है। वो अली बिन महमूद एक मेन एक्यूज्ड है। ये इसका सपोर्ट ये मोटा शाकिर है, तालाब कट्टा का रहने वाला, और अमन है, शेख अमन। ये थोड़ा डुप्लीकेट स्टैंप वेंडर्स को टाइप करके देता है, और एक बावजीर है। बावजीर का रोल, जो फ्लैट्स खाली होता है ये फ्लैट्स को ढूंढ के, ये पहले जो खाली फ्लैट्स होता है उनको पकड़ कर ये अली जाफरी को बोलता है। ये बोलने के बाद एक पुराना स्टैम्प पेपर बना के उनके ऊपर फैब्रिकेटेड पेपर बना के ये चीटिंग करके, और दूसरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास महिलाओं को, औरतों को बेचता है। लेकिन ये लैंड दूसरा आदमी का लैंड है। वो बाजू का मालूम होने के बाद ये लोग, हम चीटिंग हो गया, वो ऐसा ऐसे घूमने में वो फ़ायदा नहीं होता, वो पैसा वापस नहीं देता। वो पुलिस को आएगा तो वो सिविल केस हम इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोर्ट में जाएगा तो भी उनका जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि वो लैंड उसका ना, उन लोगों का लैंड नहीं है। इसके बारे में ये बहुत कंप्लेंट्स आने के बाद वो चंद्रानगुट्टा पुलिस एसीपी पलकनामा 2 केस में उन लोगों को पूरा हिस्ट्री मालूम हो गया। एक प्रोफेसर का चीटिंग कर दिया, ये प्रोफेसर का 600 गज दूसरा को बेच दिया। वो प्रोफेसर आने के बाद, कंप्लेंट देने के बाद मालूम हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन भी कुछ करा है बाद में। एक नसीम बेगम कुछ रिपोर्टर्स के पास जाके ये डीसीपी ऑफिस को, एसीपी ऑफिस को चंद्रानगुट्टा आया। चंद्रानगुट्टा पुलिस डीप इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ था, ये पूरा फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो लैंड ग्रैबर्स ये औरत को धोखा दे दिया। तो इस मामला में पूरा इन्वेस्टिगेशन कर पहले ये 4 आदमी को पकड़ गए। ये मेन आदमी मुजीब है, ये आदमी मुकीत एक स्क्रैप वेंडर था। ये पेपर्स भी बेचता है। उसका असिस्टेंट ये अमन है, शेख अमन। ये पूरा
कोर्ट का डिस्पोजल होने वाला स्क्रैप पेपर्स को वो लेकर ये केमिकल से मेन मैटर निकाल कर जो पुराना बहुत बहुत 20 साल 30 साल का पहले डेट्स ऐसा रख कर वो नया डॉक्यूमेंट्स बनाता है। बनाने के बाद ये लैंड का ये पूरा डिटेल्स एक डिक्री भी देता है, डिक्री मतलब कुछ इंजेक्शन ऑर्डर स्टे ऑर्डर भी लाता है। लाने के बाद इनको बेचने के बाद ये औरत अगर कुछ मिडिल क्लास वाला रोल लेने के बाद भी थोड़ा उनको धमकी भी देता है। सो इसी मामले में अभी तक 8 FIRs उन लोगों के ऊपर रजिस्टर कर दिया। अभी तक 16 विक्टिम्स मालूम हो गया। ये लिटिगेशन में कोर्ट कुछ हम लोग कानूनी के अनुसार एज पर लीगल फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर उन लोगों को बुलाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर एग्जामिन कर रहा है। उनको मालूम हो गया ये नेटवर्क ब्रेक कर दिया चंद्रायन गुप्ता पुलिस। इसका मामला में लायर नोटिसेस और एबीएस कार्पस सर्च वारंट्स लगाने के लिए कोशिश कर दिया। तो इमीडिएटली ये 4 मेंबर्स को अरेस्ट करने के बाद उन लोगों को पुलिस कस्टडी में ले रहा है। ये लेने के बाद ये किस आदमी को कितने आदमी को क्या क्या लैंड इश्यूज में वो धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, क्या क्या लैंड्स को वो कब्जा कर दिया, ग्रैबिंग कर दिया, वो मालूम होने के बाद ये पूरा नेटवर्क ब्रेक कर मेन मुजीब मुकीत को अरेस्ट होने के बाद ये पेपर स्टैंड पुराना बहुत बहुत पुराना स्टैंड पेपर्स कैसे उन लोगों को मिल रहा है, वो डिस्पोजल स्क्रैप कौन भेज रहा है, वो जान पूछ कर किसने ये फैब्रिकेटेड फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है ये मालूम हो जाएगा। अभी तक और 10 आदमी ये साजिद देवानी, काला शकीर, ये मुजीब मुकीत, एक मोहम्मद स्वीटी, ये 10 आदमी भाग गए। दो आदमी बाहर जाने के लिए दुबई सऊदी जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। 2 टीम्स एयरपोर्ट में रख दिया। ये पूरा गरीब लोग औरत लोग ये चंद्रायन गुट्टा ये आसपास मुसलमान औरत लोगों को चीटिंग कर दिया। ये लोग को पूरा जस्टिस होने तक ये पूरा नेटवर्क ब्रेक कर उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल चीटिंग केस उन लोगों के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है। इसीलिए सीपी साहब को उन लोगों के ऊपर PD एक्ट लगाने के लिए हम प्रपोजल्स भेज रहा हूँ। कितने साल से कर रहे हैं सब ये लोग? वो 2-3 साल से कर रहा है। पहले ही एक सक्सेस हो गया, एक पूरा अमाउंट आली जाबरी IPL में लॉस हो गया। ये लॉस फिलअप करने के लिए और चीटिंग करना। कितना अमाउंट लॉस हुआ था? अभी तक 1.5 करोड़ का मामला में ये गरीब लोगों को चीट करने के। अभी गवर्नमेंट का JNURM का कुछ 336 घर का वो पूरा पीपल का देने वाला है गवर्नमेंट। थोड़ा देर हो गया कुछ क्वेरीज में। ये लोग 2-3 लीडर्स वहाँ बैठ कर 10,000 5,000 लेके उनको भेज रहे हैं, वो भी लैंड ग्रैबर्स है। अभी 10 लोग पकड़ने वाले हैं। आली जाबरी अभी तक आली जाबरी को महीने की जो दिखाया हमको, ये आली जाबरी हमको इन्वेस्टिगेशन में लीगल कंस्ट्रेंट कर दिया। वो लीगल नोटिस हाईकोर्ट में डाल दिए ABS कार्पस। ये भी कुछ कर रहा है उनका एस्केप होने के लिए। लेकिन अभी उनका 1 वीक कस्टडी में हो जाएगा। ये पूरा 3-4 टीम, एक चंद्रायन गुट्टा का मामला नहीं है, वो 4-5 टीम रख के ACP 2 ACP सेक्शन DCP का पास कुछ इतना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इपड़ एक कदीर आया, कदीर आदमी एक इश्यू में 9 लाख के लिए वो पहले विक्टिम था, लेकिन बाद में वो 9 लाख लेने के लिए वो भी कुछ गलत काम करते, उनको भी अरेस्ट करो। याकूब वो अलग अरेस्ट कर रहा है, वो भी हमारे कस्टडी में थे। सो इसीलिए अभी 10 लोग हैं, वो काला शकीर, साजिद इमानी, इसके बड़ा किसी आदमी हो, ये औरत सामान्य गरीब लोगों को पैसा जो कमाया इसका 1 रुपया और दूसरा हाथ में
अगर आएगा तो उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। कुछ एम्प्लॉयज हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं।